So if you are a 12th grade student or if you just passed out your 12th, then you must be having some confusion like what to do after 12th for getting a better cybersecurity career or to become a cybersecurity professional. So यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. पहला, आपने 12th में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट चूज किया हो और दूसरा, आपने कोई नॉन आईटी सब्जेक्ट्स जैसे कि आर्ट्स या कॉमर्स ऐसे सब्जेक्ट्स लिए हो. तो मैं दोनों ही पॉसिबिलिटीज के लिए आपको कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी रोड मैप बताऊंगा, जिसे आप स्टेप वाइज अगर फॉलो करते हैं तो यू कैन गेट अ हाई पेइंग साइबर सिक्योरिटी जॉब, यू कैन बी वर्किंग एट एन MNC और यू कैन बी वर्किंग एट द मैंग कंपनीज एज सिक्योरिटी इंजीनियर्स. एंड जिन्होंने नॉन आईटी सब्जेक्ट्स लिए हैं उनके लिए भी मैं इस वीडियो के एंड में कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, देन यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट रोड मैप एंड यू कैन ऑल्सो गेट योर ड्रीम साइबर सिक्योरिटी जॉब्स. दिस इज नितेश, फाउंडर ऑफ डिफ्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी, अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर विथ हैविंग मोर देन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस. सो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लिया है. सो उनके लिए रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर है. जस्ट आफ्टर 12th यू नीड टू फाइंड अ गुड कॉलेज. अब गुड कॉलेजेस आप डायरेक्टली एडमिशन लेके भी कर ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं, या तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत सारे होते हैं हमारे इंडिया में, आप उन एग्जामिनेशन को क्रैक करके भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं. वहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी गो फॉर द BTech, एंड BTech में आप कंप्यूटर साइंस या IT लीजिए, एंड अगर वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की स्पेशलाइजेशन की कोई डिग्री कोर्स है तो आप उसे चूज कीजिए. BTech में आपके पास होते हैं 4 साल और आप BCA के लिए भी जा सकते हैं. अगर आपने BCA चूज किया है तो यू विल बी हैविंग 3 years. तो BCA एंड BTech आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, दोनों ही एक बहुत ही अच्छी डिग्री कोर्स है. मैं आपको रिकमेंड BTech करूंगा एंड आपको BTech में 4 साल मिलते हैं, एंड 4 साल का मतलब BCA से ज्यादा टाइम आपको मिला, और जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, उतनी ज्यादा स्किल्स गेन करने के चांसेस. तो आप BTech में जब जाते हैं या BCA में एडमिशन लेते हैं, वहां पे आपके पास 3-4 साल जो होते हैं उसको आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है. आपको वो 3-4 सालों में कॉलेज में आप इतना परफॉर्म कीजिए कि कॉलेज आपका अच्छा से जाए, आपके सेमेस्टर अच्छे से जाए, एंड यू गेट सम गुड मार्क्स. सो नाउ यू आर इन कॉलेज एंड यू गॉट इनफ टाइम टू गेन सम स्किल्स. आपके पास 4 या 3 साल होंगे, डिपेंड करता है आपने BTech चूज किया या BCA चूज किया है. उन 4 या 3 सालों को आपको मोस्ट प्रोडक्टिव बनाना है. फॉर द साइबर सिक्योरिटी सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गो फॉर द लिनक्स. आप लिनक्स सीखो, लिनक्स कैसे यूज करते हैं, कमांड्स कैसे चलाते हैं, ये चीजें सीखो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग लिनक्स एज द सर्वर, एंड अगर आपको लिनक्स पे काम करने आता है तो ये आपके लिए एक एडेड बेनिफिट. लिनक्स के बाद आप नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. यू कैन गो फॉर द CCNA, CCNP एंड ऑल सर्टिफिकेशंस. देयर आर मल्टीपल नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन, यू कैन गो फॉर दैट. लिनक्स के लिए भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, आप RHCS या RHCE के लिए भी जा सकते हो. दैट इज अ वंडरफुल सर्टिफिकेशन फॉर द एंट्री लेवल. नाउ आफ्टर यू हैव लर्न द लिनक्स एंड नेटवर्किंग, देन गो फॉर द प्रोग्रामिंग थिंग, बिकॉज अगर आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिमांड सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नॉलेज बिफोर हायरिंग यू. आप इनमें से पाइथन को चूज कर सकते हैं, बैश को चूज कर सकते हैं, आर लैंग्वेज चूज कर सकते हैं. दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी. जब आपने नेटवर्किंग, लिनक्स, प्रोग्रामिंग कर लिया, देन यू कैन गो एंड स्टार्ट लर्निंग द बेसिक कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स इन एथिकल हैकिंग, जैसे कि रेकॉन हो गई, जैसे कि स्कैनिंग हो गया, एन्यूमरेशन हो गई, सिस्टम हैकिंग हो गया, प्रिविलेज एस्केलेशंस हो गए. ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ना शुरू कर सकते हो जो आपके बेसिक एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. नाउ इसके बाद आपकी पूरी कंप्लीट जो जर्नी है वो हो चुकी है, एंड अब आपको सिर्फ एडवांस करना है, अब आपको सिर्फ स्केल अप करना है. स्केल अप करने के लिए आप अलग अलग तरह के लैब्स को यूज कर सकते हैं. इनमें से एक सबसे पॉपुलर लैब है ट्राई हैकमी, जो कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे उनके फ्री लैब्स को सॉल्व कर सकते हैं. मोर देन 300 फ्री लैब्स आर अवेलेबल, यू कैन गो एंड चेक आउट देम. ट्राई हैकमी के बाद आप हैक द बॉक्स के लिए जा सकते हैं, उनके भी जो लैब्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. जो हमारी लर्न एथिकल हैकिंग वाली सीरीज यूट्यूब पे चल रही है बाय एन एकेडमी ग्रो, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. वहां पे भी आपको एथिकल हैकिंग के बहुत सारे कंसेप्ट बिल्कुल बिगिनर लेवल से सिखाया जा रहा है, तो आप उसको भी फॉलो करते चलिए, एंड वहां से आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सीखने को मिल जाएंगी. आपने ये सारी चीजें कर ली, अब बारी आती है सर्टिफिकेशन की. नाउ देयर आर मल्टीपल सर्टिफिकेशंस इन द मार्केट एंड यू कैन डू एनी ऑफ देम. जरूरी नहीं आप सारे सर्टिफिकेशंस कीजिए, जो सर्टिफिकेशन आपके डोमेन को
परफेक्टली सूट करता है, आप उन्हीं सर्टिफिकेशन के लिए जाइए। जैसे अगर आप वेब पेन टेस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं तो देयर आर सर्टिफिकेशन लाइक EasyPT, देयर आर सर्टिफिकेशन लाइक OSCP, यू कैन गो फॉर देम। उसी तरह अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक में हैं या नेटवर्क सिक्योरिटी में हैं तो जो भी रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेशन हैं आप उनके लिए जा सकते हैं। कोई भी एक या दो सर्टिफिकेशन अगर आप करते हैं तो आपके बहुत तरह की स्किल्स है ना, उसकी टेस्टिंग हो जाती है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, किस एक्सटेंट तक आपके वो स्किल्स हैं आपके अंदर। नाउ इफ यू हैव डन ऑल दिस थिंग्स, नाउ यू कैन अप्लाई इन साइबर सिक्योरिटी कंपनीज फॉर योर फ्रेशर रोल, एंड दोज कैन बी लाइक ऑफ सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी रिसर्चर और सिक्योरिटी इंजीनियर और इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, और यू कैन से वेब पेन टेस्टर, जूनियर वेब पेन टेस्टर एंड सीनियर वेब पेन टेस्टर एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा। टोटली डिपेंड करता है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो क्या है। अब बात करते हैं कि सैलरी क्या आपको मिलेगी एज अ फ्रेशर। तो एज अ फ्रेशर अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर बात करें तो यू कैन गेट अराउंड 35,000 to 40,000 एट द स्टार्ट, एंड देन इट कैन स्केल अप टू अ वेरी हाई पैकेज। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके स्किल्स गेन होंगे और भी ज्यादा स्किल्स रिफाइन होंगे, वैसे वैसे आपका पैकेज बढ़ता जाएगा एंड इट कैन गो टू द लैक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कंपनी यू शुड चूज एट फर्स्ट। सो मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले अगर आपको किसी एक अच्छे स्टार्टअप में काम करने का मौका मिलता है तो आप स्टार्टअप में काम कीजिए। योर सैलरी विल बी नॉट दैट वेरी हाई बट यू विल गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स लर्निंग एंड अर्निंग बोथ इन स्टार्टअप। अब स्टार्टअप के बाद आपको मैं रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा यू कैन गो फॉर एनी सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एनी कंपनी विच इज बोथ। वहां फिर आप अपने आप को और भी स्केल अप कर पाओगे एंड देन इट विल क्लियर द रोड टू गेट अ जॉब इन अ MNC और मैंग कंपनी। बट इफ यू आर प्रोसेसिंग अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल देन आप डायरेक्टली भी मैंग कंपनीज इन सब के इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं, आप डायरेक्टली MNCs के इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं, MNCs में जॉब कर सकते हैं, दैट वुड बी नॉट दैट मच डिफिकल्ट। नाउ मैथ वालों की तो जॉब लग गई, उनको कोई एकेडमिक इशूज नहीं आएंगे जनरली, एंड उनके लिए एक रास्ता जो है ना वो थोड़ा ईजी है। बट वॉट अबाउट दोज हु हैड चूजन इन 12th नॉन IT सब्जेक्ट लाइक आर्ट्स एंड कॉमर्स, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर आप जॉब परस्पेक्टिव से देख रहे हो, इफ यू वॉन्ट टू गेट अ जॉब इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन, देन वहां पे कंपनी जो है ना वो सर्टिफिकेशन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये दोनों चीजें देखती है। उन्होंने एक थ्रेशोल्ड लगा दिया है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज थ्रेशोल्ड लगा के रखती है कि हमें BTech या BCA वाले कैंडिडेट्स ही चाहिए, देन वहां पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। देन इन दैट केस देयर इज एन ऑप्शन, यू कैन गो फॉर द BCA, या यू कैन गो फॉर द BCA, यू कैन टेक एडमिशन इन BCA डिग्री कोर्स इवन इफ यू हैव चूजन आर्ट्स और कॉमर्स। जब आपको BCA में एडमिशन मिल जाएगी, जब आप BCA कर लोगे तो यू विल हैव अ काइंड ऑफ टेक्निकल डिग्री एंड यू विल नॉट हैव दैट इशू जो कि आप BCA के पहले फेस करते, या BCA अगर आपने नहीं करा होता तो आप फेस कर सकते थे। नाउ आपके पास BCA की डिग्री है, नाउ यू हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड टू, देन अब आप उस बैकग्राउंड पे, उस डिग्री के बेसिस पे आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। एंड बेसिकली जब आप BCA में एडमिशन लेते हैं तो आपको सेम रोड मैप फॉलो करनी है जो मैंने मैथ्स वालों के लिए भी बताया जो BTech या BCA कर रहे हैं। सेम रोड मैप यू हैव टू फॉलो, सेम थिंग यू हैव टू फॉलो, एवरीथिंग फ्रॉम बिगनर टू एंड, एंड यू विल गेट योर साइबर सिक्योरिटी जॉब, अ हाई पेइंग जॉब, अ ड्रीम साइबर सिक्योरिटी जॉब। And even after some experiences, you can get to work in an MNC or in mang companies too. तो कोई border नहीं है, कोई ऐसा threshold नहीं है कि आप अगर आपने BTech किया है तो आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाओगे, या आपने BCA किया है तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। Totally depend करता है skills के ऊपर। Certification की requirement तब होगी जब आप job करना चाहते हैं। मे बी आपको बिना सर्टिफिकेशन के भी जॉब मिल सकती है, बट उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। एज अ फ्रेशर भी आप बहुत ही हाई पेइंग पैकेज ले सकते हैं एंड किसी बड़ी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स जो है ना वो प्रोसेस करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। अगर वो स्किल्स आपने दिखा दिए देन यू कैन डेफिनेटली गेट अ वेरी हाई पेइंग पैकेज एट फ्रेशर लेवल। सो दिस वॉज द रोड मैप फॉर एवरी स्टूडेंट हु जस्ट पास आउट 12th और इज परसुइंग 12th एंड आप कन्फ्यूज होते हो, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो एंड आई होप कि आपको आपकी ड्रीम साइबर सिक्योरिटी जॉब मिल जाएगी।